हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अमरनाथ भूमि विवाद के शीघ्र हल की मांग करते हुए श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने जम्मू क्षेत्र में बंद की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। संघर्ष समिति के संयोजक लीलाकरण शर्मा ने कल रात कहा, इस मुद्दे पर सरकार की टाल मटोल की नीति को देखते हुए समिति ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और बंद की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सिमी पर प्रतिबंध हटाने संबंधी पंचायत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थानादेश की अवधि 6 सप्ताह बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। केंद्र ने न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले विशेष पंचायत की उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने सिमी से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था। वक्त है एक ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद बाकी है कुछ और खबरें। हिंदी बुलेटिन में आपका दोबारा स्वागत है। झारखंड में नई सरकार बनाने का दावा करने से पहले शिबू सोरेन को 3 निर्दलीय सहित 5 विधायकों का समर्थन हासिल होने की खबर है। सोरेन की पार्टी के 17 विधायक हैं। उन्होंने 17 अगस्त को मधु कोड़ा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था जिससे उनकी सरकार गिर गई। सोरेन आज सुबह निर्दलीय विधायक स्टीफन मरांडी से भी मिले। मरांडी ने कहा कि सोरेन उनके यहां आए थे और सरकार बनाने में समर्थन देने के लिए कहा। मरांडी ने साथ में ये भी कहा कि वे समर्थन देने से पहले मधु कोड़ा से बातचीत करेंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने लंदन के अपने प्रशंसकों पर जमकर जादू बिखेरा और अनफॉरगेटेबल टूर श्रृंखला में दीवार के संवाद तथा अग्निपथ की पंक्तियां सुनाकर 25,000 दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीवार फिल्म के संवाद सुनाते समय अमिताभ भावुक हो गए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, पर बाकी की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।